हेलो नमस्कार, जय हिंद, बंदे मातरम। बच्चे बहुत परेशान हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए खास कर बना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देख लेना, 2-3 मिनट का ये वीडियो है। आपके सारे डाउट्स को इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चे पूछ रहे हैं, सर मेरा मेडिकल कब होगा, मेरा फिजिकल हो चुका है। तो भाई आपको एक चीज बता दूं कि मेडिकल शुरू हो चुके हैं लेकिन होना शुरू नहीं हो चुके, आज से उसका फॉर्म जमा शुरू हो चुका है। तो आज अभी आप जब फॉर्म जमा करेंगे प्यारे दोस्तों, तो डॉक्टर जब आप रिक्रूटमेंट सेल में उस फॉर्म को जमा करेंगे तो वहां पर वो आपको डेट देगा मेडिकल की, कि इस फलानी को, जैसे कि 21 तारीख को डेट है, जैसे जिसका फिजिकल 15 को हो गया उसका लगभग 21 को मेडिकल है, इस टाइप से आपको डेट दी जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है 17 से 21 तक मेडिकल। तो आप वहां जाएं, अपना फॉर्म भर लें, जो फॉर्म मैंने रात को 9 बजे वाले सेशन में भरवाया है, फॉर्म 37, उसको भरें। फॉर्म डी, फॉर्म ई, वो भरेंगे, जो डॉक्टर है ना वो भरेगा इसको। आंख नाक कान का जो अलग अलग डॉक्टर है आपको चेक करेगा, वो डॉक्टर लिखेगा इसमें कि कहाँ आपके दिक्कत है, कहाँ आप फिट हैं, सब कुछ उसमें भर देगा। और उसको भरने के बाद डॉक्टर का भरा हुआ फॉर्म लेकर आप जाना सीधे कहाँ, रिक्रूटमेंट सेल, आपको वो दोबारा जमा करना पड़ेगा वहीं पर। तो जो बच्चे बहुत दूर के हैं वे दिल्ली में 2-4 दिन रुके, ऐसा नहीं है कि फॉर्म को जमा करके फिर भागे और फिर बुलाएं। तो भाई क्योंकि दिल्ली अब लगातार बुलाएगी आपको कुछ दिन तक, जब तक ये मेडिकल प्रोसेस नहीं चलती है ना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सर, डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाएं? भाई डॉक्यूमेंट की जो फाइल आपने फिजिकल में लगाई थी वही फाइल आप लेकर जाएंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। फिर एक बात और कि उस फाइल की कॉपी जरूर करवानी है आपको, 2 से 3 कॉपियां सबको करवानी है। अब सबसे बड़ा इशू यह है बच्चों के, भाई कल से इतने फोन आ गए दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूं, मेरे थोड़े काम भी है, आपकी वजह से तो मैं कहीं ड्यूटी डाटी भी नहीं गया आज। देखिए एक बात आपको बताता हूं कि आपको परेशान नहीं होना है, आज 17 तारीख की डेट है, उसमें लिखा हुआ है वो नोटिस है ना, वो लेट नाइट आया है, तो आधे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं कि ऐसा कोई नोटिस आया है, हालांकि हमने 9 बजे ही वो ओपन करके दिखा दिया था ऑनलाइन ही सबके सामने। तो उसमें 17 की जो डेट है वो शुरुआत की डेट है कि 17 को भाई आप जमा करो, जिनका 13, 14, 15 को हुआ है। अब ऐसी बात नहीं है कि 17 को वो एकदम क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वो जमा ही नहीं होगा, ऐसा वहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिखा है। अब आप जानते हैं कि जो बच्चा महाराष्ट्र से आया था, अब उसका 15 को फिजिकल था, वो अपने घर लौटा तो 17 को तो वो घर पहुंचेगा सुबह, तो कैसे 17 को जमा कर देगा। तो उसने कहा सर हम क्या कर सकते हैं, तो भाई जो दूर के बच्चे हैं ध्यान से समझिएगा, वे बच्चे अपनी ट्रेन वगैरह की टिकट को बड़ा संभाल कर रखें, बस की टिकट को संभाल कर रखें, वो आपके लिए सबूत है कि सर जैसे ही मुझे नोटिस के बारे में पता चली मैं तुरंत वहां से रवाना हो गया यहाँ रिक्रूटमेंट सेल के लिए, लेकिन आने में जो एक मिनिमम टाइम है वही 24 आवर का, 20 आवर्स का है, तो मैं इसीलिए उपस्थित नहीं हो पाया 17 को, तो आपका फॉर्म 18 को भी जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पास वाले हैं वे एक्सक्यूज नहीं दे सकते, जैसे बागपत हो गया, जैसे मथुरा, आगरा, ये आपके जेवर हो गया, या जो हरियाणा के इलाके हैं, सोनीपत, पानीपत, ये सब इलाके भले भिवानी वाले, ये भाई एक्सक्यूज मत देना, क्योंकि आपके पास दिल्ली है, नजदीक है, बड़े आराम से आप पहुंच जाएंगे। तो आज कैसे भी उस फॉर्म को भरे, 3 उसकी कॉपियां बनाए और तुरंत जाकर उसको क्या करें, आज रिक्रूटमेंट सेल में जमा करें, वो वहां लेंगे उसको, उसके ऊपर आपकी मेडिकल की डेट डालेंगे कि इस डेट को आपका मेडिकल है, आपको सेंटर पता चल जाएगा। मैं थोड़ी देर में वीडियो बना दूंगा, जो हॉस्पिटल्स के वीडियो है वो बन चुके हैं, ठीक है, तो वो सेंटर की आपको लिस्ट ले लेनी है और उसके बाद आपको जाकर वो वहां जमा कर देना है। कोई दिक्कत हो तो भाई हमको मैसेज कर लेना, टीम ऑफिस में रहेगी, आपको बता देगी। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।